महिला बाल विकास द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसा ही मामला उज्जैन जिले के नागदा तहसील अंतर्गत जलोदिया जागीर में एक आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर बिल्डिंग में चल रहा है, जिसमें ना तो टॉयलेट की व्यवस्था है ना ही कोई जरूरी सुविधाएं। यहाँ आने वाले बच्चों समेत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को खुले में ही शौच के लिए जाना पड़ता है। साथ ही जर्जर बिल्डिंग के गिरने का डर बच्चों और स्टाफ को हमेशा लगा रहता है। हालांकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। केंद्र में है, क्या स्थिति है इस केंद्र की? मैं 8 माह से हूँ यहाँ पे और ये आंगनबाड़ी बहुत जर्जर हो रही है, इसकी वजह से मुझे बहुत समस्या आ रही है। पोषण आहार चूहे काट देते हैं, लेकिन फिर भी चल रहा है। हमने परियोजना अधिकारी को बताया, नया भवन बन रहा है, अब तक वो भी गया है, लेकिन उस पर केस लगा, इसलिए वो काम बंद पड़ा है। चूहे ज़्यादा आते हैं यहाँ पे और कभी कभी सांप वगैरह भी निकल आते हैं। डर तो हमेशा बना रहता है। बच्चे वाले बिठाते हैं, रोज बच्चे बुलाते हैं, लेकिन कभी ऐसा बारिश का मौसम होता है जब हम बच्चे को खाना वाना खिला के थोड़ी देर पढ़ा के उनको भेज देते हैं वापस। क्यों जल्दी भेज देते हैं आप? डर रहता है, कभी बिल्डिंग गिर जाए फिर बच्चों का क्या होगा, उनका जवाब कौन देगा। इसके लिए विशेष रूप से आपने उच्च अधिकारी को कभी सूचना दी है? अधिकारी, परियोजना अधिकारी को पता है यहाँ, तो उन्होंने भवन का वो भी करवाया, काम भी चालू, लेकिन बस वही कि उस पे केस चल रहा है, तो वह डर लगा ही रहता है। उसमें क्या है, डर लगा रहता है। किस तरह का डर बना रहता है? कि ये कभी गिर जाए, बच्चों के ऊपर नहीं गिर जाए, कभी गिरे तो